इसे हम हिंदी में चेहरा कहते हैं, वो इसे इंग्लिश में फेस कहते हैं। इसे हम हिंदी में आंखें कहते हैं, वो इसे इंग्लिश में आइज कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में ब्रो कहते हैं, वो इसे इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कान कहते हैं और इसे इंग्लिश में ईयर कहते हैं। इसे हम हिंदी में कान पट्टी कहते हैं और इसे इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। इसे हम हिंदी में नाक कहते हैं और इसे इंग्लिश में नोज कहते हैं। इसे हम हिंदी में मुंह कहते हैं और इसे इंग्लिश में माउथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में नथना कहते हैं और इसे इंग्लिश में नोस्टिल्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में ठोड़ी कहते हैं और इसे इंग्लिश में चिन कहते हैं। इसे हम हिंदी में गाल कहते हैं और इसे इंग्लिश में चीक कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत कहते हैं और इसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं और इसे इंग्लिश में गम्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में होठ कहते हैं और इसे इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में जीभ कहते हैं और इसे इंग्लिश में टंग कहते हैं। इसे हम हिंदी में सर कहते हैं और इसे इंग्लिश में हेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में पलके कहते हैं और इसे इंग्लिश में आईलिड्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में माथा कहते हैं और इसे इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। इसे हम हिंदी में त्वचा या खाल कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्किन कहते हैं। इसे हम हिंदी में छाती कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में स्तन कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में बगल कहते हैं और इसे इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं। इसे हम हिंदी में बाहें या भुजा कहते हैं और इसे इंग्लिश में आर्म कहते हैं। इसे हम हिंदी में मूंछ कहते हैं और इसे इंग्लिश में मोस्टैची कहते हैं। इसे हम हिंदी में दाढ़ी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में कमर कहते हैं और इसे इंग्लिश में वास्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में पीठ कहते हैं और इसे इंग्लिश में बैक कहते हैं। इसे हम हिंदी में कांधा कहते हैं और इसे इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। इसे हम हिंदी में पेट कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। इसे हम हिंदी में पेट कहते हैं और इसे इंग्लिश में बैली कहते हैं। इसे हम हिंदी में नाभि कहते हैं और इसे इंग्लिश में नेवल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कुल्हे कहते हैं और इसे इंग्लिश में हिप्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में जांघ कहते हैं और इसे इंग्लिश में थाई कहते हैं। इसे हम हिंदी में घुटने कहते हैं और इसे इंग्लिश में नी कहते हैं। इसे हम हिंदी में पिंडली कहते हैं और इसे इंग्लिश में काफ कहते हैं। इसे हम हिंदी में पैर कहते हैं और इसे इंग्लिश में लेग्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में पैरों के तलवे कहते हैं और इसे इंग्लिश में फुट कहते हैं। इसे हम हिंदी में तखना कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंकल कहते हैं। इसे हम हिंदी में पैर का अंगूठा कहते हैं और इसे इंग्लिश में टोए कहते हैं। इसे हम हिंदी में हाथ का अंगूठा कहते हैं और इसे इंग्लिश में थंब कहते हैं। इसे हम हिंदी में उंगलियां कहते हैं और इसे इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं और इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसे हम हिंदी में बीच की उंगली कहते हैं और इसे इंग्लिश में मिडल फिंगर कहते हैं। इसे हम हिंदी में अनामिका उंगली कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं। इसे हम हिंदी में छोटी उंगली कहते हैं और इसे इंग्लिश में लिटल फिंगर कहते हैं। इसे हम हिंदी में जोड़ कहते हैं
और इसे इंग्लिश में नकल कहते हैं। इसे हम हिंदी में हथेली कहते हैं और इसे इंग्लिश में पाम कहते हैं। इसे हम हिंदी में नाखून कहते हैं और इसे इंग्लिश में नेल कहते हैं। इसे हम हिंदी में पैर के नाखून कहते हैं और इसे इंग्लिश में टॉय नेल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कोहनी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। इसे हम हिंदी में मुट्ठी कहते हैं और इसे इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में खून कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। इसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं। इसे हिंदी में जबड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में जा कहते हैं। इसे हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं और इसे इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। इसे हिंदी में फेफड़े कहते हैं और इसे इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। इसे हिंदी में जिगर कहते हैं और इसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इसे हिंदी में दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। इसे हम हिंदी में गुर्दे कहते हैं और इसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसे हम हिंदी में नस कहते हैं और इसे इंग्लिश में नर्व्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में मांसपेशियां कहते हैं और इसे इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में पसली कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिब कहते हैं। इसे हम हिंदी में रीढ़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। इसे हम हिंदी में हड्डी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोन कहते हैं। इसे हम हिंदी में शरीर कहते हैं और इसे इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। इसे हम हिंदी में अलीजीवा कहते हैं और इसे इंग्लिश में युवला कहते हैं। इसे हम हिंदी में तिल कहते हैं और इसे इंग्लिश में मोल कहते हैं।